नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। नाउ ओपन रोड साइड फास्ट फूड कोर्ट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एवरीथिंग फाइन अंडर 99। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी, दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5 उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बेनीपुर एवं अलीनगर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी, 29 सितंबर को है मतदान। बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव करने को लेकर की गई ब्रीफिंग। पंचायत चुनाव एवं बाढ़ राहत को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। दुर्गा पूजा एवं चेहल्लुम को लेकर हुई जिला शांति समिति की बैठक। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किया वृक्षारोपण, बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांट, चलाया सेवा समर्पण अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। त्योहार एवं आयोजनों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। और भारत नेपाल रेल लाइन पर ट्रेन का ट्रायल रन रहा सफल। और समाचार विस्तार के साथ। बेनीपुर एवं अलीनगर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी, 29 सितंबर को है मतदान। बेनीपुर और अलीनगर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश हुआ जारी। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अगस्त को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। साथ ही सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के 4 पद यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन और मतदान EVM द्वारा तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद यथा पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतदान मतपत्र मतपेटिका के माध्यम से होना है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित प्रखंडों के ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11 चरणों में मतदान कराया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिले के बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में 29 सितंबर को द्वितीय चरण में सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित है। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अंतर्गत द्वितीय चरण में 29 सितंबर 2021 को बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में होने वाले मतदान को भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत 154 भवनों में कुल 236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 234 मूल मतदान केंद्र एवं 2 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। वहीं अलीनगर प्रखंड अंतर्गत 95 भवनों में कुल 179 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 176 मूल मतदान केंद्र एवं 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा बेनीपुर अनुमंडल में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगाई गई है। चुनाव के अवसर पर विभिन्न प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों में आपसी तनाव उत्पन्न हो जाने से मतदान के दिन कभी कभी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इस हेतु बेनीपुर प्रखंड को 17 सेक्टर, 4 जोन तथा 1 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त कुल 118
PCCP बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं संपूर्ण अलीनगर प्रखंड में 13 सेक्टर 3 जोन तथा 1 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त कुल 90 PCCP में पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान के लिए प्रत्येक मतदान में 1 पीठासीन अधिकारी एवं 5 मतदान अधिकारी रखे गए हैं तथा कुल 415 मतदान दलों का गठन किया गया है। बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव कराने को लेकर की गई ब्रीफिंग। बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव करने को लेकर की गई ब्रीफिंग। पंचायत चुनाव 2021 के द्वितीय चरण में 29 सितंबर को दरभंगा जिले के बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं। उसे सभी पदाधिकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें सभी वरीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरे जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आता है या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर की शाम से ही सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क कर लेंगे और 29 सितंबर की सुबह 4 बजे सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी मतदान केंद्र के मतदान पदाधिकारी एवं पुलिस बल पहुंच गए हैं। मतदान समाप्त होने के उपरांत सभी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा CU का क्लोज बटन दबवाना सुनिश्चित करेंगे तथा अपनी अभिरक्षा में सभी EVM को बाजार समिति अवस्थित बज्रगृह में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षित EVM ML अकेडमी में जमा होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है, जहां क्लस्टर पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, टेक्नीशियन एवं स्थानीय कर्मी मौजूद रहेंगे। यदि कहीं से भी EVM खराब होने की सूचना मिलती है तो तुरंत सुरक्षित EVM के साथ तकनीशियन और प्रखंड के कर्मी पुलिस बल के साथ EVM लेकर जाएंगे और आधे घंटे के अंदर EVM कमीशनिंग करके बदलना सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इसके पहले लगे EVM की अच्छी तरह से जांच करवा लेंगे। पंचायत चुनाव एवं बाढ़ राहत को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। पंचायत चुनाव एवं बाढ़ राहत को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराज NSM की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में 29 सितंबर को बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड पंचायत चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर बेनीपुर एवं अलीनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी पंचायत को पंचायत में क्लस्टर बनाने को लेकर कई निर्देश दिए गए। अलीनगर में 11 पंचायत के लिए 13 क्लस्टर एवं बेनीपुर में 16 पंचायत के लिए 17 क्लस्टर बनाए गए हैं। वैसे बड़ी पंचायत जहां मतदान केंद्रों की दूरी अधिक है, वहां 2 क्लस्टर बनवाए गए हैं। हर हाल में आधे घंटे के अंदर खराब EVM को बदला जा सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान तिथि के लिए प्रतिनियुक्त सेक्टर जिनके पास रिजर्व EVM रहेगा, वे क्लस्टर पर ही रुकेंगे, जहां पुलिस बल भी होगा। प्रखंड के वैसे कर्मी जो उस पंचायत के सभी मतदान केंद्रों के रूट को भलीभांति जानते हैं, उसे क्लस्टर पर प्रतिनियुक्त किया जाए। साथ ही छोटे मोटर वाहन जिस पर EVM, पुलिस बल एवं तकनीशियन एक साथ मतदान केंद्र पर जा सके, उन्हें रखा जाए। दोपहिया वाहन से यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि EVM बदलने से पहले मतदान केंद्र पर लगे EVM की जांच पड़ताल कर ली जाएगी। यदि किसी तकनीकी कारण से EVM चालू नहीं हो रहा हो तो पहले उसे ठीक करने का प्रयास कर लेंगे और ठीक नहीं होने पर सुरक्षित EVM का कमीशनिंग कर उसे बदल देंगे। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इसके लिए पर्याप्त संख्या में तेज तर्रार कर्मी एवं छोटे मोटर वाहन की व्यवस्था कर लेने को कहा। उन्होंने कहा कि EVM की सुरक्षा सर्वोपरि है, बिना सुरक्षा बल के EVM नहीं जाएगा और क्लस्टर के लिए भी वैसे स्थल का चुनाव करना है जो सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई EVM को क्षति करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। दुर्गा पूजा एवं चेहल्लुम को लेकर हुई जिला शांति समिति की मीटिंग। दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को लेकर हुई जिला शांति समिति की बैठक। प्रत्येक आयोजन के लिए अधिकतम 50 व्यक्ति निर्धारित। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा नगर निगम की मेयर वैजयंती देवी खेड़िया भी उपस्थित थी। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने वर्तमान चेहल्लुम और आगामी दुर्गा पूजा तथा आगामी विभिन्न त्योहारों के लिए COVID-19 से सुरक्षा और बचाव को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन तथा धार्मिक स्थलों के संबंध में जारी दिशा निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला के लिए कोविड अनुकूल जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया SOP से अवगत कराते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होगा।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया आयोजन। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। सांसद ने पंडित जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उन्हें कोटि से नमन किया। सांसद ने कहा कि आज देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में उनका जन्म हुआ था। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जी हमेशा किसान एवं शोषित वर्ग के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सुनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। बुकिंग्स ओपन फॉर वेडिंग्स एंड ऑल सोशल गैदरिंग्स। ऑल फैसिलिटीज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाक 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10 एंड NTSC KVPY ओलंपियाड। के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बेनीपुर एवं अलीनगर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी, 29 सितंबर को है मतदान। बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव करने को लेकर की गई ब्रीफिंग। पंचायत चुनाव एवं बाढ़ राहत को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। दुर्गा पूजा एवं चेहल्लुम को लेकर हुई जिला शांति समिति की बैठक। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किया वृक्षारोपण। बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांट चलाया सेवा समर्पण अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। त्योहार एवं आयोजनों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। और भारत नेपाल रेल लाइन पर ट्रेन का ट्रायल रन रहा सफल। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किया वृक्षारोपण। बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांट चलाया सेवा समर्पण अभियान। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा ने ग्रामीण विधानसभा के दुलारपुर पंचायत महादलित टोला में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि सभा के साथ वृक्षारोपण और बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांट चलाया सेवा समर्पण कार्यक्रम। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में दरभंगा ग्रामीण दुलारपुर पंचायत की महादलित बस्ती में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजा सलहेश स्थान परिसर में चारों ओर वृक्षारोपण कर स्थानीय बच्चों के लिए कॉपी, कलम, टॉफी, बिस्किट, कटर, रबर आदि पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया। इस कार्यक्रम के संबंध में बताते हुए जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जिस अंत्योदय की परिकल्पना कर राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित कर बलिदान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परिकल्पना को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के संकल्प को पूरा कर रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर पूरे देश में चलाए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती कार्यक्रम को मनाने के लिए हम सब
ग्रामीण विधानसभा के दुलारपुर पंचायत में भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला के सभी साथी उपस्थित हुए हैं, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया, उनको याद किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद सभी इस महादलित टोला में आकर सभी बच्चों के बीच कॉपी कलम बिस्कुट टॉफी और पाठ्य सामग्रियों का वितरण युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा किया गया है, साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। रिटेल एवं ई कॉमर्स में समन्वय की आवश्यकता पर बल। सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। रोजमर्रा की बातों में भी तकनीकी दखल बढ़ा है। हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधियां भी ऑनलाइन हो चुकी हैं। ई कॉमर्स का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2024 तक 99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। ऑनलाइन खरीदारों की संख्या 220 मिलियन हो जाएगी। नए नए विक्रेता ई कॉमर्स बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान से भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन बाजार का दायरा बढ़ेगा। ये बातें स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वावधान में शनिवार को ई कॉमर्स चुनौतियां एवं संभावनाएं विषयक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस एम झा ने कही। उन्होंने ई कॉमर्स के परिदृश्य एवं जुड़े विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। उन्होंने ई कॉमर्स के बढ़ते चलन के खतरों से भी आगाह किया और परंपरागत रिटेल व्यवसाय को बचाए रखने की आवश्यकता जताई। परंपरागत रिटेल व्यवसाय एवं ई कॉमर्स के बीच संतुलन आवश्यक है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि ई कॉमर्स का क्षेत्र व्यापक है, इसमें अपार संभावनाएं मौजूद हैं और उनके समुचित दोहन की जरूरत है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हेयर इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बेनीपुर एवं अलीनगर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी, 29 सितंबर को है मतदान। बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव करने को लेकर की गई ब्रीफिंग। पंचायत चुनाव एवं बाढ़ राहत को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। दुर्गा पूजा एवं चेहल्लुम को लेकर हुई जिला शांति समिति की बैठक। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किया वृक्षारोपण। बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांट चलाया सेवा समर्पण अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। त्योहार एवं आयोजनों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। और भारत नेपाल रेल लाइन पर ट्रेन का ट्रायल रन रहा सफल। त्योहार एवं आयोजनों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। त्योहार एवं आयोजनों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। कोविड गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना होगा अनिवार्य। गृह विभाग विशेष शाखा द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधी जो दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, उनमें सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन तथा धार्मिक स्थलों के संबंध में यह जानकारी दी गई है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवस्था एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा। सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवस्था एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए। जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किंतु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव की होगी। किसी भी
सार्वजनिक स्थलों पर दुर्गा पूजा के दौरान कोई मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। पूजा, मेला आयोजन, शोभा, कलश यात्रा, जुलूस, विसर्जन आदि कार्य संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति और अनुज्ञप्ति के बिना नहीं होगा। हर आयोजन के लिए 50 अधिकतम संख्या निर्धारित रहेगी। तदनुसार सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी अनुमति या अनुज्ञप्ति निर्गत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख करेंगे। लाउड स्पीकर का उपयोग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के पश्चात किया जाएगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं IPC की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और भारत नेपाल रेल लाइन पर ट्रेन का ट्रायल रन रहा सफल। भारत नेपाल रेल लाइन पर ट्रेन का ट्रायल सफल, खुला उम्मीद का नया द्वार। इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन परियोजना के अंतर्गत शुक्रवार को जयनगर से भारत नेपाल सीमा के 2.89 किलोमीटर रेल खंड पर स्पीड ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। शुक्रवार को इस ट्रायल के बाद भारतीय रेल की ओर से इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है और आगे की कार्रवाई पूरी तरह से नेपाल रेल की तत्परता पर निर्भर करेगी। मौके पर DRM ने बताया कि स्पीड ट्रायल की रिपोर्ट रेल संरक्षा आयुक्त CRS को भेजी जाएगी और उनकी मंजूरी मिलने की उन्हें पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार को परियोजना सौंपने के बाद वह ट्रेन परिचालन कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर मौजूद यात्री सुविधाओं, लॉबी, पार्सल, रनिंग रूम आदि का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। स्पीड ट्रायल के दौरान समस्तीपुर मंडल के सीनियर DOM रुपेश कुमार, सीनियर DEN कोऑर्डिनेशन RN झा, सीनियर DEN VK गुप्ता, सीनियर DCM सरस्वती चंद्र समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बेनीपुर एवं अलीनगर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी, 29 सितंबर को है मतदान। बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव करने को लेकर की गई ब्रीफिंग। पंचायत चुनाव एवं बाढ़ राहत को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। दुर्गा पूजा एवं चेहल्लुम को लेकर हुई जिला शांति समिति की बैठक। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किया वृक्षारोपण। बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांट चलाया सेवा समर्पण अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। त्योहार एवं आयोजनों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। और भारत नेपाल रेल लाइन पर ट्रेन का ट्रायल रन रहा सफल। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।